हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी दिन के बाद जुड़ने वाले हैं और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। यहाँ पर हमने एक बल्ब को एक सोलेनोइड के साथ जोड़ रखा है और एक हमने सेल जोड़ा है, इसकी जगह हम बैटरी भी ले सकते हैं। एक रियोस्टेट जोड़ा है और एक की, इस की का एक वर्क है, एक रियोस्टेट का वर्क है, सारी जितने फंक्शन जुड़े हैं। दिस इज़ द सोलेनोइड, हमने इसे कॉपर की कॉयल है उसको टर्न करके लपेट दिया है किसी इंसुलेटिंग फ्रेम पर। ठीक है ना, अब हम आगे की प्रोसेस समझते हैं करना क्या है। सेल्फ इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जो 2023 है इसमें आने के इसके 3 मार्क्स के बहुत चांसेस हैं। तो बहुत आसानी से स्मूथ वे में एक एक चीज़ को क्लियरली हम समझते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पहले मैं इस कंस्ट्रक्शन को आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट को फिर ड्राइव करके भी समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस की को क्लोज करते हैं और इस रियोस्टेट का काम क्या है, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसका वर्क है, ये जो होता है ना वो करंट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब इस बैटरी के करंट को हम एसी करंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इस रियोस्टेट के हेल्प से। इस रियोस्टेट को हम, इट मींस ये दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो रियोस्टेट होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जनरेट करता है जिससे सेल या बैटरी से जाने वाला करंट चेंज होता है। अब आप जानते हैं जब सेल और बैटरी से जाने वाला करंट इस कॉयल में पास आउट करेगा तो इससे जाने वाली, हम जानते हैं कि जब कॉयल से करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इससे जाने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसमें लगातार चेंजेस होंगे। इस लगातार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से फाइनली हम कह सकते हैं कि फ्लक्स में लगातार चेंज जारी रहेगा, जारी रहेगा। और फैराडे ने हमें बताया कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉयल में एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि वो उसी कॉज का अपोज करती है जिससे कि वो बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें होने वाला फ्लक्स में चेंज इसमें जाने वाले वोल्टेज और करंट का अपोज करेगा, जिससे इसका जो करंट होगा या वोल्टेज होंगे जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे, थोड़ा उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, डिक्लाइन होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डेरिवेशन इस थ्योरेटिकल पार्ट को ड्राइव करके आपको समझाना। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, है ना, सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनको हमने फिक्स कर दिया इसमें, नंबर ऑफ ट्रांस, परमिबिलिटी, दोनों को। बात रह गई करंट की, अब इसमें हम करंट को लगातार रियोस्टेट से चेंज करा रहे हैं, है ना। जब हम रियल स्टेट से करंट की वैल्यू चेंज करेंगे, इट मींस यहाँ हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है करंट पर। और आप ये भी जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है बी ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसकी जो जो टर्न्स हैं, कॉयल्स हैं इसमें, उनका एरिया फिक्स है। ठीक है ना, तो हम पहुँच कह सकते हैं कि ये फिक्स है, इसका मतलब ये वेरिएबल है। इट मीन्स जो फ्लक्स की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पे। तो फाइनली हम सबको कंबाइन करके एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, कहने का मतलब सिंपली ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर जो करंट हमने रियोस्टेट की हेल्प से चेंज किया था लगातार लगातार लगातार, उससे फ्लक्स में चेंज होते रहे होते रहे होते रहे। इस फ्लक्स के चेंज की होने की वजह से फैराडे ने हमें बताया कि इस कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, इस बैक ईएमएफ, ये एक प्रोसेस है जो कि इटसेल्फ, यानी कि जो होने वाली प्रोसेस है इसके अंदर जाने वाला जो करंट है या वोल्टेज है उसको ही अपोज करता है, ये प्रोसेस कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना, अब सेल्फ इंडक्शन को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने जाना कि फाई इक्वल होता है बी ए, ठीक, जो फाई की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है करंट पर। हम मान लेते हैं कि यहाँ इसमें ये टर्न्स दिखाई दे रहे हैं,
इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इट मींस टोटल फ्लक्स की वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी करंट पर डिपेंड करेगी, हम इस प्रोपोर्शनल को हटा करके एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको कहते हैं एल, यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट मींस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इससे दिया जाता है। हमने इस रियोस्टेट की हेल्प से, इस रियोस्टेट की हेल्प से लगातार इसमें जाने वाले करंट को चेंज किया, इसका मतलब इसमें इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट हो रही हैं उसको चेंज किया, हमने लिख दिया कि बी आई पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर हमने जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स बराबर जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, उस कॉइल्स का एरिया और उससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फाई इक्वल बी, बी डिपेंड करता है आई पर, ठीक है। फाई डिपेंड करता है बी पर क्योंकि इन सब टर्न्स का एरिया फिक्स है, इसका मतलब ये तीनों को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। फाइनली हम कह सकते हैं कि फाई जो है आई पर डिपेंड करता है, ठीक। अब हम यहाँ आ गए, अब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिया है, कैपिटल एन, बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स 100, 50, 200, 500 जितने है, हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो इसमें टोटल जितना फ्लक्स होगा यहाँ से यहाँ तक हर एक टर्न का वो काउंट हो गया, और वो टोटली डिपेंड करेगा इस रियोस्टेट की वजह से कि रीजन ये है इसकी वजह से चेंज होने वाले करंट पर। वो करंट को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाई तो आप जानते हैं एक कॉन्स्टेंट आता है वो है एल, दिस इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस, और इस प्रोसेस और इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये इस बार 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स कैरी करता है, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरी तरह से। कोई क्यूरीज हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।